हाय फ्रेंड्स, टीएफ नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जीआई पार्ट 3 की बात करते हैं। जीआई पार्ट 3 में हम आज पांच ऐसे प्रोडक्ट्स की बात करेंगे दोस्तों, जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे कोटा डोरिया की, राजस्थान के कोटा जिले से। दूसरे नंबर पे दोस्तों बात करेंगे शाही लीची की, बिहार के मुजफ्फरनगर और समस्तीपुर से। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे डिंडीगुल के तालों की, जो तमिलनाडु के फेमस है, प्रसिद्ध है और जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। चौथे नंबर पे बात करेंगे कंडा की साड़ी तमिलनाडु से, और पांचवे नंबर पे उड़ीसा के रसगोला की बात करेंगे। तो आइए दोस्तों वन बाय वन करके देख लेते हैं। सबसे पहले है कोटा डोरिया। कोटा डोरिया स्टार्टिंग में 17वीं शताब्दी में मैसूर में बनाया जाता है। जैसे कि आप सबको पता है मैसूर का जो रेशम की साड़ियाँ हैं, सिल्क साड़ियाँ हैं, वो बहुत ही फेमस है। उसके बाद में मैसूर में का जो मुगल राजा था, उसके यहाँ सेनापति हुआ करता था, वो कोटा का राजकुमार था, तो वो बुनकरों को लेकर कोटा में लाया और कोटा के पास एक छोटा सा कस्बा है कैथून, वहाँ पर उनको लगाया और इसका उत्पादन करने के लिए एक सेटअप तैयार किया। तो ये अथकरघे से बनती है, कॉटन और सिल्क से का मटेरियल यूज होता है इसमें, इसलिए इसको मैसूरिया साड़ी भी बोलते हैं, या कोटा के बाहर इसको कोटा डोरिया बोलते हैं, लेकिन कोटा के अंदर इसको मैसूरिया साड़ी भी बोलते हैं और इसके जो बुनकर होते हैं उनको मैसूरिया बोलते हैं। और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों ये, राजस्थान के कोटा से कोटा डोरिया करके, ये विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दोस्तों शाही लीची। शाही लीची बिहार का फेमस है, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। बिहार के मुजफ्फरपुर समस्तीपुर इलाकों में ये शाही लीची का उत्पादन होता है दोस्तों। ये आम लीची नहीं होती, जिसमें मोटा बीज होता है और जो पल्प होता है वो कम होता है, लेकिन ये जो स्पेशल तरह की लीची होती है, इसमें बीज बहुत छोटा होता है और एक खुशबू होती है और मिठास होती है, इसको खाने पर बहुत ही मीठा लगता है। और इसमें जो पल्प का मात्रा होती है वो 80-90% होती है, मतलब जो खाने की चीज़ें वो ज़्यादा होती हैं, इसलिए यह बहुत ही फेमस है। और खुशबू और एक सुगंध, एक विशेष तरह की सुगंध होती है इसमें, इसीलिए इसको जीआई टैग दिया गया है, शाही लीची मुजफ्फरपुर समस्तीपुर बिहार क्षेत्र से। नेक्स्ट है दोस्तों तमिलनाडु के डिंडीगुल के ताले। ये विश्व में प्रसिद्ध है, इनकी ये सुरक्षा के लिए बहुत ही अच्छे माने गए हैं और इनको खोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इनकी खुद की चाबी से खुलते हैं। इनमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं और ये मैन्युफैक्चरिंग इनका डिंडीगुल जगह में होता है, जो तमिलनाडु में स्थित है। तो तमिलनाडु के डिंडीगुल के ताले विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ से एक्सपोर्ट भी होते हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु से कंडा की साड़ी। दोस्तों ये साड़ी भी बहुत ही फेमस है तमिलनाडु की, क्योंकि इसमें एक विशेष तरह के परंपरागत परिधान में माना जाता है इसको तमिलनाडु में, और ये साड़ी अभी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पहनी जाती है और देश में और विदेशों में एक्सपोर्ट की जाती है। नेक्स्ट है ओडिशा का रसगुल्ला, ये मिठाई का है, इसको जीआई टैग दिया गया है। जैसे कि आपको पता है कोलकाता के रसगुल्ले बहुत ही फेमस हैं, लेकिन उड़ीसा का जो रसगोला है, रसगोला, ये रसगुल्ला और रसगोला में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दिखने में और खाने में एक जैसा ही है, लेकिन इसका नाम रसगोला है, जो उड़ीसा का है, इसको जीआई टैग दिया हुआ है। दोस्तों काम पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।